अब एक आपको अहम खबर दें, भेरा के कस्बा ढल का नौजवान कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा है। 2 माह गुजर गए हैं, कच्चे के डाकुओं से मुगवी बाजियाब नहीं कराया जा सका। अगवाकारों ने मुगवी की बाजियाबी के लिए 40 लाख रुपये तावान मांग लिया है। जंजीरों में जकड़े मुगवी की वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो में वाज तौर पर देखा जा सकता है कि अजहर नामी नौजवान पर डाकू बहिमाना तशद्दुद कर रहे हैं। 18 जुलाई को थाना भेरा में मुगवी अजहर के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया और मुगवी के अहल खाना ने बाजियाबी के लिए वज़ीर आला पंजाब से अपील कर दी है। ये खबर आप तक पहुँचाएँ। भेरा के कस्बा ढल का नौजवान है जो कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा हुआ है और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। क्या कहा गया इसकी जानिब से, आपको ये भी दिखाते हैं। मरियम नवाज अगा नवाज शरीफ अगा शरीफ अगा शबाज शरीफ अगा साड़ी अपील है, साड़ी इमदाद की जाए, बस साडा बंदा छुड़ाया जाए। अल्लाह अपील है मरियम नवाज अगा नवाज शरीफ अगा शबाज शरीफ अगा साड़ी अपील है, साड़ी इमदाद की जाए, बस साडा बंदा। अपडेट्स करें आपको, भेरा का ये नौजवान, भेरा के कस्बा ढल का नौजवान जहां पर कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया, 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी कच्चे के डाकुओं से मुगवी को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। अगवाकारों ने मुगवी की बाजियाबी के लिए 40 लाख रुपए तावान मांगा है और जंजीरों में जकड़ा ये नौजवान, ये मुगवी, इसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। दिल खराश ये मनाजिर हैं। वीडियो में नज़र आ रहा है कि अजहर नामी नौजवान जिस पर डाकू बहिमाना तशद्दुद कर रहे हैं, 18 जुलाई को थाना भेरा में मुगवी अजहर के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या हकाइक हैं, ये जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा भेरा महर बिलाल ताहिर ने। महर बिलाल, बताइएगा क्या मौक़िफ़ है पुलिस का और इस वक्त क्या सिचुएशन है? महर बिलाल, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट है इस हवाले से? जी, तहसील भेरा के कस्बा ढाल का नौजवान कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। अगवाकारों ने मुगवी की रिहाई के लिए 40 लाख रुपया तावान तलब कर लिया है। कच्चे के डाकुओं ने तहसील भेरा के कस्बा ढाल के जंजीरों में जकड़े नौजवान अजहर की वीडियो वायरल की है, जिसमें मुगवी अजहर अपनी रिहाई के लिए लवाइकीन को 40 लाख रुपए देने की अपील कर रहा है। वीडियो में डाकू जंजीरों में जकड़े मुगवी अजहर को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मुगवी के भाई नूर हयात ने एक न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि करीबन 3 माह कबल इसका भाई अजहर नाराज होकर घर से मुलाजमत के लिए रावलपिंडी चला गया था, जो तलाश के बावजूद ना मिल सका। कुछ दिन बाद इसके मोबाइल नंबर से कॉलें आने लगीं कि उसे अगवा कर लिया गया है, जिस पर थाना भेरा में 18 जुलाई को इसकी अगवा की FIR दर्ज कराई। पुलिस अब तक उसे तलाश करने में नाकाम रही है। अगवाकारों ने अब उसकी वीडियो वायरल की है, जिसमें वो जंजीरों में जकड़ा अपील कर रहा है कि अगवाकारों को तावान देकर उसे रिहाई करवाया जाए। वीडियो जिस नंबर से भेजी गई है, इस लोकेशन के कच्चे के इलाके की गोटकी ट्रेस हुई है। मूवी के भाई के मुताबिक उन्हें मालूम नहीं कि वो डाकू हत्थे कैसे चढ़ गया है। हम तावान अदा नहीं कर सकते, वजीर आला पंजाब, IG पंजाब। अच्छा महर बिलाल, ये बताइएगा कि वजीर आला पंजाब से अपील की गई है और जो मूवी के अहले खाना है वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, तो क्या इस पर कोई मौकफ सामने आया हुकूमती किसी नुमाइंदे का? जी, इसके लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी नईम हैदर पंजोथा साहब जो हैं, जो पावर ऑफ अटॉर्नी भी हैं PTI के, उन्होंने मूवी अदर के उनके गांव के डाल का रिहायशी, उन्होंने कहा कि वो उनके गांव का रिहायशी है और हुकूमत को अगर PTI से फुर्सत मिले तो इसकी बाजियाबी के लिए भी कुछ कर ले या इसका भी कुछ ख्याल कर ले। जी ठीक है महर बिलाल, आपने सूरत हाल से तफसीलन आगाह किया है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े एक और अहम खबर है, डेरा गाजी खान में साइलिन को फौरी इंसाफ के लिए DPO अली सैयद की थानों में खुली कचहरियाँ लगाने का